बीती रात हंसदास मठ पर एक दिवसीय हंस गरबा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। श्रीमती वर्षा पवन शर्मा के निर्देशन में इस महोत्सव में विभिन्न गरबा पांडवों में महिलाओं और बच्चियों ने यहां पर बढ़ चढ़कर अपनी प्रस्तुतियां दी। महोत्सव समिति के डॉक्टर पंडित योगेंद्र महंत और पवनदास शर्मा ने यहाँ पर बताया कि प्रतिवर्ष मठ परिसर में एक दिवसीय भव्य आयोजन यहाँ पर जो था वह संपन्न हुआ। आयोजन के अवसर पर विभिन्न समाजसेवी, राजनेता और विशिष्ट व्यक्तियों ने यहाँ पर शिरकत करी, जिनका सम्मान भी किया गया। गरबा विश्व ब्राह्मण समाज संघ एवं हंसदास मठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष किया जाता है। इस गरबे में इंदौर के ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति अपनी अपनी टीम बनाकर यहां अपनी प्रस्तुतियां देती है और उनके बीच में हमने इस बार प्रतियोगिता भी रखी है, जिसके माध्यम से कि उनको प्रथम पुरस्कार में 21,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 और विशेष पुरस्कार अन्य कई आकर्षक पुरस्कार जितने प्रतिभागी हैं सभी को एक एक गिफ्ट सभी को दी जाएगी। निश्चित रूप से सभी को अपने मत का प्रयोग उपयोग करना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए। मैं सबसे अपील करूंगा कि इंदौर शहर जिस प्रकार से स्वच्छता में प्रथम है, ऐसा ही मतदान में भी प्रथम है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक मतदान करें अपना।